अच्छी कविता सुनाई इन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। चुनाव और क्या क्या बात कर रहे थे, सर्कस में चुनाव आ गया और पता नहीं कहाँ कहाँ। मित्रों अभी अभी बनारस का चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव में जो गहमा गहमी देखने को मिली, हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, तो मैंने वहां से एक छोटा सा व्यंग निकालने का प्रयास किया। मैं जानता हूं बनारस के लोग बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ श्रोता बनारस में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग जितना मन से कविता सुनते हैं, जितने पसंद से सुनते हैं, देखिए आधी रात को भी बैठ करके लोग कविता का आनंद ले रहे हैं, तो सोचिए कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे श्रोता है। कसम खा के बता रहा हूं, आपसे बढ़िया श्रोता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। कम से कम इतनी चापलूसी ताली तो बजी। मैंने एक व्यंग निकालने की कोशिश की, सुनिएगा। मैंने कहा एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोधाया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोधाया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना आशीर्वाद दिया। मित्रों फजीहत गहमरी जी जिस पॉइंट पे अपनी कविता शुरू किए थे, यानी पुलिस के लिए उन्होंने कहा, मित्रों किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, ये वर्दियों का भरोसा हम पर और हमारा इन पर इतना तगड़ा होता है कि हम बेखौफ होकर के आधी रात को भी घूमते हैं। बस मन में ये रहता है कि हमारी सुरक्षा में वर्दियां तैनात हैं, तब हमें गर्व होता है कहने पे। किसी से झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं कि अभी चल रहा है FIR कराने। ये पुलिस पर हमारा भरोसा है। आज रैली निकलवाइए तो पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, कोई जुलूस हो तो पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, किसी का विवाह हो तो पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। स्वागत नहीं, जितना आवश्यक पुलिस है हमारे लिए, आप जानते हैं कि पुलिस के बिना हम एक कदम नहीं बढ़ा सकते। एक इंस्पेक्टर हमारे मंच पर भी विराजमान है, इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय, जिनको स्पेशली उन्नाव जिले से मंगवाया गया है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, जब से ये कवि निकल गए, तब से इनका सिलेक्शन जिस समिति ने किया था पुलिस विभाग में, उस पर भी जांच बैठा दी गई। अब चूंकि ये आदत की बात कर रहे थे, तो इनको हर बात में टोका टोकी करने की आदत है। अभी ये उन्नाव से ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, इन्होंने टीकी को रोका, बोला यार रेलवे ने बड़ा उन्नति किया, बहुत तरक्की की रेलवे ने, लेकिन सारी सुविधाएं होने के बाद भी आज भी ट्रेन के टॉयलेट में जो मग्गा बदा होता है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। भैया को पता नहीं था टीटी जो था वो बनारस का था, उसने कहा मग्गा चैन से बधा, आप थोड़े बधे, आप अपने मकान को आगे पीछे क्यों नहीं करते। जोरदार तालियां धर्मराज उपाध्याय। नहीं वो क्या है ना कि चूंकि बहुत चूंकि पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, तो आप जानते हैं पुलिस विभाग में ऊपर और नीचे का खास महत्व होता है, इसलिए ऊपर नीचे कर रहे हैं।
स्वागत कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे गंगा मैया, सामने भोले बाबा, प्रणाम कर गए, प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कैसे यहाँ पहुंचा बताता हूँ आपको। दमदार बनारसी जी का फोन आया कि गुरु महामूर्ख कब सम्मेलन में तुम्हारा आवत है। तो हम कहे यार महामूर्ख सम्मेलन तो बहुत बड़ा कब सम्मेलन है, वहां तो बड़े बड़े कवि आवत है सब, बहुत बड़े बड़े कवि, महंगे कवि सब आवत है। कहीं कहा करे गुरु आपकी चुनाव में बिजी रहे तो कौन चंदा में सुनना है तो उनकी सब झंडुए कभी बुलाएंगे। छुट्टी लगाए वो अधिकारी पूछे भाई काहे छुट्टी तुमका काहे चाहिए, क्या करने जाओगे बनारस। तो हम कहे कि साहब मूर्ख बनने, हम कहे साहब मूर्ख बनने जाएंगे बनारस। तो कहे तो वहां जाए का जरूरत है भाई तुमका। दसवीं बार फेल होने पर पढ़ाई बहुत मेहनत से हमने किया है, 10 बार दसवीं का इम्तिहान दिया है। क्या बात है, समझ जाए तो हम हाथ ताली बजा दीजिएगा। दसवीं बार फेल होने पर पिताजी ने कहा नालायक तुझे शर्म नहीं आई है, पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख पूरे शहर में फर्स्ट आई है। वाह। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ये सारे खेल हुए हैं, शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं। हर उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हुए। जहां जहां तक पहुंचे ताली बजाती रहिएगा कि सो रहते क्लास में टीचर ने जगाया, सो रहते क्लास में टीचर ने जगाया, क्यों आते हो स्कूल। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया आप तो गुरु जी केवल खुरपेट के लिए जाने जाते हैं, हम तो स्कूल केवल विद्या के लिए आते हैं। उन्होंने कहा एग्जाम के बाद रिजल्ट पे रोते हो, विद्या चाहिए और क्लास में सोते हो। मैंने कहा गुरु जी तुम्हारी बुद्धि सठियाई है और ठीक से देखो आज विद्या स्कूल नहीं आए। जैसे कब सम्मेलन आप लोग कराते हो, ऐसा नहीं कि कब सम्मेलन आप ही लोग कराते हो, हमने अपने थाने में कब सम्मेलन कराया, क्या क्या हुआ बताता हूं आपको। सारे महंगे महंगे कभी बुलवा लिए गए, किसी का 20,000, किसी 25,000, किसी 50,000, जिसने जो मांगा संचालन के लिए रमदार भैया बुला लिए, इन्हों 20,000 मांगे। वैसे भैया भैया कहते हैं मांगे। अब हमने कहा आओ भाई पढ़ो कविता, सारे लोग आ गए, बहुत अच्छा मुशायरा, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, सारी रात थाने चलता रहा। जब सवेरा हुआ कार्यक्रम संपन्न हो गया, हमने सबका जिसका 20,000, जिसका 25,000, जिसका 50,000, जिसका जो पेमेंट था सबका उसके हाथ पे रख दिया। तो सबने बड़ी तारीफ की, सबने कहा कि लोग पुलिस को गलत बदनाम करते हैं कि पैसा नहीं देती, पेमेंट मार लेती, ये कर लेती, वो कर लेती। देखिए इंस्पेक्टर साहब इतने अच्छे, सबका पेमेंट कर दिया। हमने कहा दादा लोग बदनाम करते हैं, हम ऐसे नेचर के नहीं है, आप अपना पैसा लीजिए पूरा पूरा। तो फिर ये कह लगे क्या हम अब जा सकते हैं यहां से। क्या अब हम यहां से जा सकते हैं। हरम का दादा बिल्कुल जाओ आप लोग, आगे चौराहा पड़ता था, अरे हर जगह चौराहा, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। अब जिसके पास कागज नहीं था, जिसके पास जो नहीं था वो सब पकड़े गए। हमने जब दमदार बनारसी थोड़ा साइड हटा के इनकी गाड़ी तलाशी ली तो एक कट्टा भी मिल गया। ये रोने लगे कहा भैया ये पिस्टल हमारी नहीं है, पिस्टल हमारा क्या काम, हम तो कविता पढ़। हम कहे ना भैया तुम रात में पढ़ रहे थे कि जो है पिस्तौल से जो है जो अपराधियों को उड़ा दूंगा, अपराधियों को उड़ा दूंगा, तो जब रात में पढ़ रहे थे तो सुबह देना पड़ेगा। तो जो लिए थे भाई साहब एक एक पैसा प्रेम पूर्वक वापस कर दिए। जब वापस कर दिए तो हमसे कहने लगे कि दादा बड़ा अच्छा किया आपने, पैसा दिया भी ले भी लिया, तो आप ये बता दीजिए कि जब आपको पैसा वापस ही लेना था तो दिया क्यों था। हम कहें भैया देखो ऐसा है जो दिए थे वो हमारा फर्ज था और जो लिए है हमारा धंधा है। आप लोग बनारस के लोग, अरे गुरु आप थाने में रामलीला भी खाकरा कर रहे, आप लोग बनारस के लोग जिधर जो चाहो बना दो। यहाँ से बहुत बहुत लोग हिट हो गए, कहाँ कहाँ मैं पहुंच गए थे, एक धर्मराजे ने पहुंची आगे, एक बार तरह से आप लोग समर्थन कर दो, बस आगे फिर बढ़ा दी।
रामलीला फरमाई सर कि बताओ कोतवाल मैंने थाने में रामलीला करा दी, मैंने अपना पैर खुद उधारी पर चलाया था, इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था, कलाकारों के लिए मैंने भानुमती का कुंडा जोड़ा था, कहीं 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 का रोड़ा था, मेरी धर्मपत्नी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था, एक तो राजा दूसरे कोतवाल इसलिए बेवजह करा और तरा था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी और मेरी दो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी, और भले ही नाटक है मगर जीते जी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी आ गए, हर 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए। थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, उन्होंने राम बने सिपाही का दिल कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बनता धार हो गया क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया, हनुमान बना कैदी बीच रास्ते से ही। अच्छा तारीफ हमारी किए कब तक, बहादुरी नहीं बताया। हम रहे हुए भर्ती भर, कप्तान साहब ने कहा कुछ काम करेंगे, हमने कहा हाँ सरकार काम करेंगे, उन्होंने कहा ये 1 लाख का इनामिया बदमाश है मलखान, इसको पकड़ लाओ या कुछ जानकारी ले आओ। मैं 15 दिन बाद उनके पास गया, कहे भाई पकड़ गए मलखान को तुम 1 लाख का इनामिया, हमने कहा था पकड़ तो नहीं पाए हैं, तो कहें फिर, हमने कहा लेकिन उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियों के निशान लेकर के सर मैं आया हूँ। क्या बात है, क्या बात, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हुए, फिर शाबाश बेटा तुमने बहुत ऊंचा काम कर दिया, कोई नहीं कर पाया, तुमने कर दिया। अच्छा बताओ उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियों के निशान कहाँ पर है, हमने कहा सर मेरे बाएं गाल पर है। इधर इधर जो है, अभी मैं होली के ड्यूटी पर जा रहा था, मार के भगाओ दादा कहते हैं हमका हटी का, एक बार ताली अपना बजा तो हम आगे बताओ, तो सच्ची घटना बता रहे हैं आपका। होली ड्यूटी में जा रहा था, एक साइकिल टूटी हुई पड़ी थी गांव किनारे, एक साइकिल टूटी हुई पड़ी थी, हमने गांव वाले से पूछा, हमने कहा कैसे टूट गई, हमने कहा साइकिल कैसे टूट गई, होली के हुड़दंग में उसने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ, जो उसने कहा वो मैं बता रहा हूँ, हमारा और कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि 5 साल तक चली बराबर दिया न फिर भी छूट, 5 साल तक चली बराबर दिया न फिर भी छूट, अरे बुलडोजर चढ़ गई साइकिल गई बेचारी। किसी ने बस का टिकट भेजा, किसी ने कहा कि अब सरकार रिपीट हो गई चले जाओ, हमने रिक्वेस्ट किया कि न जाओ, और उसको जो है सब लोगों ने पूरे प्रदेश में पसंद किया, आप लोग भी मुहर मार देंगे तो मजा आ जाएगा, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा न चली लाठी, न चली लाठी और न चली गोली, तो न जाओ चाचा कोई कुछ न बोली। तुम्हारे बाप के कोई बुरा ना मानत है, चटा गए हो सभी कोई जानत है, तुम्हारे बाप के कोई बुरा नहीं मानत है, चटक गए हो सभी कोई जानत है, और हिये करो ईद हिये खेलो होली, कहो न जाओ चच्चा कोई कुछ न बोली, कहो न जाओ चच्चा कोई कुछ न बोली। हम समय के हम लागे थे बहुत होगा तिदेर, आप लोग एक बार ताली बजाए तो हम बैठ जाए भाई। अरे अरे हम तो घंटा भर सुना चाहिए, चलिए एक और सुना देता हूँ आप लोगों को, पुलिस तिरवरी भी करवाते हैं। गजब हो गया पिछली रात में, सुनिएगा, गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। क्या बात है, मुसीबत भारी क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए, उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था, सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था ना करंट लगाया था, मगर इसे कोतवाल साहब ने सारी रात अपनी कविता सुनाया था।
बहुत अच्छे, हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है। मर गया कहती है इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा। बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं। एडवांस नहीं, मैं पहुंच रहा हूं। मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं, और मेरे हुजूर बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर कप्तान साहब ने कहा कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है। कविता विता रहने दे पगले, तू मुझे निर्दोष नजर आता है। श्री कृष्ण जी सपने में आ गए मेरे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और लोगों के सपने में आए हैं आए नहीं आए आए उन्होंने कहा अवतार लेना चाहते हैं। हमने कहा प्रभु ना आइए अवतार नहीं। एक तो आपने वैसे गलत कर दिया। कहीं क्या गलत कर दिया? हमने कहा आपने कहा कि मतलब जो है ऐसे ऐसे बन जाओगे और वो बने नहीं। तो भैया बताइए आप, वो झूठ बोल रहे हैं कि आपने जो है कहा नहीं था? उन्होंने कहा नहीं, वो भी सच बोल रहे हैं, हम भी आए थे। हमने ये कहा था कि आपको कैबिनेट का दर्जा मिलेगा, और वो समझे कि पूरी कैबिनेट हमारी होगी तो हमारी क्या करती है। तो हमने कहा कि प्रभु मत आइए। हमने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। क्या बात है। कदम की ठंडी छाव भूल जाओगे, कान्हा गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सा रखाए यहाँ घूमती है कॉपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा जस हम तस हम का बना हुआ वाले अब कैसे आप हो गए। और अब बिना किसी भूमिका के हमारे बीच में बाराबंकी से चलकर आए प्रमोद पंकज हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उठाइए, वरना भगवानों नहीं उठा सकते इनको।